अब डॉटनेट ऐप पे मिलेगा आपको क्लास सिक्स से आईआईटी जेई तक के मैथ के साथ साथ इलेवेंथ एवं ट्वेल्थ के फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के सभी सवाल का जवाब। बस डॉटनेट ऐप से क्वेश्चन की फोटो खींचे और तुरंत पाए वीडियो सॉल्यूशन। तो आज ही डाउनलोड करें डॉटनेट ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों यहाँ आप कठिन से कठिन क्वेश्चन का सोल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एलजीआर स्टडी में। दोस्तों अगर आप भी 2020 में सीबीएसई से टेंथ या फिर ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर यहां पर निकल करके आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं सीबीएसई ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों की संख्या घटाई। ये है नया एग्जाम पैटर्न, यानी कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम पैटर्न में बहुत ही बड़ा यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि आखिर आप लोगों का नया एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या नया बदलाव आपके एग्जाम पैटर्न में किया गया है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सीबीएसई टेंथ ट्वेल्थ एग्जाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा में 2020 से बदलाव करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई हेडक्वार्टर ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है कि 10वीं और 12वीं के विषय में विवरणात्मक प्रश्नों की संख्या कम की गई है। यानी कि दोस्तों अब जो आपका जो विवरणात्मक प्रश्न होगा, जो व्याख्या वाला जो प्रश्न होगा, उसमें दोस्तों यहां पर उसके संख्या में कम किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कक्षा 10 के कई विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इसके बाद सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और संस्कृत जैसे विषयों की विवरणात्मक प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। इसे छात्रों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे दोस्तों छात्रों को यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है लाभ मिलेगा। ये क्या लाभ मिलेगा दोस्तों, यानी कि प्रश्नों का संख्या कम होगा तो स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, कम से कम समय में बहुत ही अच्छा तरह से क्या कर पाएंगे, अपने क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा माना जा रहा है कि इससे छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। और यहाँ पर अगर ट्वेल्थ के बारे में देखा जाए कि ट्वेल्थ में कौन कौन से आपका जो सब्जेक्ट है उसको देखा गया, तो आप देख सकते हैं कि 12वीं के भी गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी विषयों के विवरणात्मक प्रश्नों की संख्या घटाई गई है। अब छात्र कम समय में भी अपना प्रश्न पत्र कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड ने प्रश्नों के उत्तर देने की समय सीमा में कोई किसी तरह की कटौती नहीं की है। यानी कि दोस्तों प्रश्न संख्या तो घटाया गया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर समय नहीं घटाया गया है और यही प्लस पॉइंट है स्टूडेंट के लिए कि प्रश्न तो कम हो गए लेकिन समय कम नहीं किया गया है, जिससे यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट को क्या फायदा मिलने वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड ने सभी विषयों में 20 अंक प्रायोगात्मक तथा आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित किए हैं। यानी कि दोस्तों 20 अंक अभी आपका प्रैक्टिकल जो और आंतरिक मूल्यांकन के लिए यहाँ पर निर्धारित किया है। तो आशा करते हैं कि सारा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अगर सारा जानकारी समझ में आ गया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।